होंगे मस्त होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल प्रेम ब्लॉग्स में। सुबह की टाइम है, नहा धोकर मैं रेडी हो गई हूँ और आज है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो बस मैं अभी जा रही हूँ पूजा करने और मैं रेडी हो गई हूँ। मेरा फुल लुक ये रहा, तो बस अभी आलता लगाऊंगी। पैर में आलता नहीं लगाई हूँ और नेल पॉलिश नहीं लगाई हूँ, तो ये लगा लेती हूँ और फिर जल्दी से जाते हैं हम लोग मंदिर। और इधर आर्यन भी रेडी हो गया, ये देखो मस्त। तो इधर आर्यन रेडी हो गया और मैं भी रेडी हो गई हूँ, चलो जाते हैं और पूजा कर ले। पहले घर पे करूँगी, उसके बाद फिर मंदिर जाएंगे। आर्यन पूजा कर लिया है घर पे और जा रहे हैं अभी मंदिर। तो अपना प्यार बनाए रखना, ढेर सारा प्यार देना, सपोर्ट करना और चलो जाते हैं मंदिर के दर्शन कराते हैं आप सबको। तो आप लोग घर बैठे हैं दर्शन कर सकते हो और चलो जाते हैं। तो बस अभी नेल पॉलिश लगा ली और पैर में आलता भी लगा ली हूँ और अभी पूजा भी कर दी, ये देखो आप लोग। तो बस घर पे पूजा करती हूँ और अभी निकलते हैं, जा रहे हैं पूजा करने मंदिर में। तो बस चलो जाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोग से। देख सकते हो, बाइक से गए थे तो अभी आगे आर्यन भी है साथ में और बहुत अच्छे से पूजा हो गया है ना आर्यन। तो बस बहुत अच्छे से दर्शन हो गया है और अभी जा रहे हैं हम लोग घर। और इधर आर्यन भी, आर्यन का टीका मस्त लगा। आर्यन दिखाओ, आओ इधर इधर ऊपर है ना, मैंने खुद नहीं देखा, ये देखो मैंने खुद नहीं देखा। ओम लगा है, ओम मिटी गया पूरा, नहीं थोड़ा वो टीका लगाया ना शंकर जी का, उसके बाद ओम लगाया। तो वही, और फिर आर्यन के लिए कुछ चाहिए था तो अभी चिप्स दिलाते हैं, मत गिराओ। चलो जाते हैं, इसमें है लोटकी, लोटकी बच गया और जाते हैं घर। हाँ, तो बस पूजा पाठ सब कुछ हो गया है और आज मेरा फास्टिंग है और घर जा रही हूँ। घर जाके फिर चाय बनाते हैं मस्त और पीते हैं।
तो चलो कैसा लगा आप लोग को दर्शन करके? बहुत अच्छे से हम लोग बैठ के एकदम आराम से पूजा किए, बहुत अच्छे से अच्छा लगा पूजा करके। चलो जाते हैं घर। और आज का ये ड्रेस आप लोग देखे ही। तो अभी घर आ गई हूँ। यहाँ कुछ फ्रूट्स पड़ा है, जैसे खरबूजा हो गया, केला है, चीकू है और एप्पल है, ग्रेप्स है, तो ये सब कुछ पड़ा है। और चलो अभी मैं ग्रेप्स खाऊंगी क्योंकि चाय पीने का मन नहीं हो रहा है। अभी धूप में से आई हूँ, यहाँ सारा बर्तन निकाल के रख ली हूँ, कढ़ाई और ये एक भगोना छोटा सा चाय बनाने के लिए, लेकिन अभी बनाऊँगी नहीं। पहले चलो ये खा लेती हूँ ग्रेप्स और इसको धो लेती हूँ, धो के फिर खाते हैं। बहुत अच्छा लगा मंदिर जाके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और थोड़ा सा आराम की ग्रेप्स खाने के बाद, उसके बाद मैं सोची कि यहाँ शकरकंद मैं कल लाई थी चढ़ाने के लिए, तो वही चढ़ाई और ये बड़ा सा एक बच गया था, तो ये मैं सोची कि चलो पका लेती हूँ, पका के खाते हैं। और मुझे याद आ गया गांव का कि चूल्हा में हम लोग कैसे पकाते थे गांव में, तो वैसी मैं पकाई यहाँ गैस पर और बहुत अच्छे से पक के रेडी हो गया। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा पक गया है। क्या खा रही हो? एकदम वैसा चूल्हा वाला पका है ना, चूल्हा पकता है ना, बहुत अच्छा लगता है। इधर मम्मी कुछ बोल रही है। देखो आज शंकर जी मंदिर पास मेला लगा है। कौन सा वाला मेला? ये शिव मंदिर है ना। कैसा मेला? बहुत बड़ा मेला, बच्चे लोग का खिलौना सब कुछ मिल रहा है। झूला? वो सब नहीं, झूला वाला नहीं। हमारे यहाँ पे ना सामान वाला एक मेला लगता है, मेरे को पहले नहीं पता था, मेरे को लगता था वो मेला वो वाला मेला। इतना अच्छा पक गया है ना। मम्मी तो बस तारीफ ही तारीफ कर रही है इसकी। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मीठा है। तो बस अभी शकरकंद खा के हो गया, मैं सोची अपना पैर दिखा दूँ। ये देखो आलता लगाई ना, उसके थोड़ी देर बाद क्या हालत हो गया, पैर के पूरा फैल गया है। तो बस अभी थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं आ गई किचन में और शाम के 4 बज रहा है अभी, तो मैं सोची चलो शाम के चाय बना लेते हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, मम्मी पापा के चाय बना के दे दी हूँ और अपने लिए अभी पैकेट खोली मैं, तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने। और मंदिर जाके इतना अच्छा लगा, क्या ही बताऊँ मैं आप लोग से। मंदिर गई थी ना, बहुत भीड़ भी थी और फिर लेकिन ऐसा है कि भीड़ थी लेकिन पूजा करने को मिल गया, बैठ के एकदम अच्छे से आराम से पूजा किए हम लोग। और उसके बाद फिर आगे बहुत अच्छा, वहाँ हर कीर्तन हो रहा था, हरे राम हरे कृष्णा हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे से सजा भी था मंदिर। तो मैं हमेशा उधर ही जाती हूँ, इधर शिव मंदिर में ना ऐसे जाती हूँ मैं, लेकिन शिवरात्रि में इतना भीड़ रहता है ना कि मतलब जाने का नहीं होता है। सुबह रात के 12 बजे से लाइन लग जाती है और अभी तक तो चली रही होगी उधर, तो इसीलिए मैं इधर नहीं गई उधर ही गई। थोड़ा सा दूर पड़ता है लेकिन अच्छे से पूजा हो जाता है आराम से बैठ के। तो बस यहाँ मैं चाय बना ली हूँ और मतलब मम्मी पापा के लिए चाय बना ली हूँ, तो वही धो रही थी बर्तन। और इधर दूध रख दी हूँ गर्म होने के लिए, तो बस गर्म हो जाए उसके बाद चाय बनाऊँगी। ये देखो दूध गर्म हो गया है, गैस को थोड़ा सा कम कर दी हूँ और अभी ये जो दूध गर्म की ना भी निकाल के रख ली। मैं बड़ा वाला गिलास निकालना भूल गई थी, बस छोटा वाला एक गिलास निकाली थी कि बस चाय ही पीना है ना, इसके लिए मैं निकाल दी, लेकिन अभी काम पड़ गया दो गिलास के, तो यहाँ मैं प्लास्टिक वाला गिलास निकाल के और उसमें दूध रख दी, उसी में मैं चाय भी पीऊँगी। यहाँ चाय भी रख दी हूँ, तुलसी पत्ता सुबह लाए थे पापा, फूल के साथ मिला था, तो वही तुलसी पत्ता डाल के चाय बना रही हूँ मस्त। और यहाँ अभी जो बर्तन है ना, बर्तन में यही सब निकाली हूँ मैं, थोड़ा सा कटोरी चम्मच और कढ़ाई लटकी यही सब, तो गिलास बड़ा वाला नहीं निकाली थी, कोई नहीं डिस्पोजेबल गिलास है, आर्यन के बर्थडे में आया था ना तो बच गया था, तो ये सब जूठा नहीं है, तो सोची कि चलो इसी में पी लेती हूँ। अब क्या निकालने जाऊँ क्योंकि पापा टीवी देख रहे हैं और बेड के अंदर है गिलास। तो बस मस्त चाय बन गई है और भूख भी बहुत है, लेकिन शाम हो गई है, 4 बज रहा है और इधर मस्त चाय बन के रेडी हो गई है, चाय लेकर आ गई हूँ मैं। चलो चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। तो दोस्तों चलो चाय पी ली अभी और शाम हो गई है, शाम के 4:30 बज रहा है अभी, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, शिवरात्रि का ब्लॉग, महाशिवरात्रि का ब्लॉग, तो मंदिर गए, पूजा पाठ सब कुछ देखा आप लोग को, अभी चाय पी ली है, सब कुछ हो गया है।
और कैसा लगा तो ज़रूर से ज़रूर बताना जितना मेरे से हो सके वीडियो शूट की। और फिर अभी थोड़ा सा नीचे जाऊंगी, काम है कुछ, आर्यन अभी खेलने गया है नीचे तो अभी मैं भी जाऊंगी नीचे, कुछ काम है। और उसके बाद फिर शाम को देखती हूँ भोग लगाने के लिए क्या बनाती हूँ महादेव जी के लिए। तो सब कुछ हो गया अच्छे से, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। तो चलो, ब्लॉग पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बार फिर से बोल रही हूँ, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्द आएगा। बाय बाय।